पहली बार में इतना अच्छा मिला देखने, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, दीवारें झुम दूंगा, जो सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलेगा टॉस वो जीतेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन विराट कोहली। अरे जनाब, ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी केटीएम दे क्या पूरी कैंडी मैंने प्यार कर दी, मैं कह रहा मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीम के बारे में जो अपने कॉमेडी के दम पे पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा। जी हाँ, हम बात करेंगे मुरादाबाद के तीन लाजवाब लड़कों के बारे में। जी हाँ, टीम राउंड टू हेल के बारे में। राउंड टू हेल के टोटल तीन मेंबर हैं। एक है नजीम अहमद जिनका जन्म 1 सितंबर को हुआ। दो नंबर पर है वसीम अहमद जिनका जन्म 12 जुलाई को हुआ। और तीसरे नंबर पर है जैन सेफी जिनका जन्म 12 फरवरी को हुआ। तीनों दोस्तों ही मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन तीन दोस्तों की स्कूलिंग अलग अलग जगह से हुई। नजीम अहमद की स्कूलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से हुई। जैन सेफी की PMS पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से हुई। और वसीम अहमद की आलम इंटर कॉलेज मुरादाबाद से हुई। तीनों दोस्त पढ़ाई में एवरेज थे और कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था। नजीम अहमद एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी थे और यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया भी सबसे पहला नजीम अहमद के ही आया था। और अपनी फुटबॉल स्किल को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए 20 सितंबर साल 2016 में यूट्यूब चैनल ओपन किया उन्होंने। उन्होंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जिस पर 50 व्यूज आई और सेकंड वीडियो अपलोड की जिस पर 10 लोगों ने देखा। और नजीम बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनका वीडियो व्यू नहीं हो रहा था और वो ये सोच रहे थे कि अगर मेरा वीडियो कोई अगर देख नहीं रहा है तो मैं वीडियो क्रिएट क्यों करूं। और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया। और उस टाइम वाइंस वीडियो का ट्रेंड चल रहा था। नजीम ने वसीम और जैन को वाइंस वीडियो बनाने का आइडिया दिया। एक वीडियो शूट करी और 6 नवंबर साल 2016 को पोस्ट कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि राउंड टू हेल चैनल। और दो दिन में करीबन 120 लोगों ने देखा। दूसरा वीडियो अपलोड किया, दो दिन में करीबन 200 लोगों ने देखा। इससे वो काफ़ी खुश थे, लेकिन आसपास के लोग उनको गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसे पागलों की तरह वीडियोस बना रहा है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और वो लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने सोचा कि हमें इस पर नहीं काम करना चाहिए और चैनल को बंद करने का मूड बना लिया था। लेकिन फिर हफ्ते पर बाद आलम सेफी ने मोटिवेट किया कि दुनिया वालों को तो बोलना ही आता है, तुम बस अपने काम करते रहो, दुनिया वाले जो बोलते हैं उस पर तुम कान मत दो। और आलम ने उन लोगों को रिपोर्ट गिफ्ट किया और तीन दोस्तों ने मिलकर एक DSLR खरीदा ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। और फिर एक महीने बाद तीसरा वीडियो अपलोड किया जो 17 दिसंबर 2016 को अपलोड किया उन्होंने। उस वीडियो को 500 लोगों ने देखा। फिर कुछ डिफरेंट वीडियोस भी अपलोड किया उन्होंने, लेकिन व्यूज 500 के पार नहीं जा रहा था। लेकिन इनकी किस्मत तब जगी जब जियो सिम का अनलिमिटेड डाटा प्लान बंद होने वाला था। और उन्होंने इस टॉपिक पर 31 मार्च साल 2017 को एक वीडियो पोस्ट किया जिसका टाइटल था जियो यूजर्स बिफोर वर्सेस आफ्टर 31 मार्च, जो दो दिन में करीबन 1 लाख व्यूज हुई और यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पर आ गई। नेक्स्ट दो दिन में करीबन 4 लाख के ऊपर चली गई व्यूज और 4 अप्रैल 2017 को उनका 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। एक से बढ़कर एक वीडियोस पोस्ट करने लगे वो लोग। जो चैनल 30 मार्च 2017 को 17 तक 2500 के करीब करीब सब्सक्राइबर थे, वो 15 जून 2017 तक 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका था। और आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल जो है वो है राउंड टू हेल। अभी उनका करीबन 25 मिलियन के करीब करीब सब्सक्राइबर है उनका, और इनका हर वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन पर ही देखने को मिलता है। उनका चैनल का नाम राउंड टू हेल क्यों है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। राउंड टू हेल नाम के पीछे एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। एक बार शूट करने के लिए कार से ड्रिप मार रहे थे और ड्रिप इतना तेज हुआ कि कार तेजी से गोल गोल घूमने लगी, जिससे उनको ये लगा अगर उस दिन कुछ हो जाता तो जिंदगी नर्क बन जाती। गोल गोल घूमकर नर्क तक जाना, दैट इज राउंड टू हेल। दोस्तों राउंड टू हेल ने कभी भी अपनी फैमिली के नाम नहीं बताया, इसलिए मैं उनके फैमिली के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए उनके इनकम के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक यूट्यूबर की कमाई कई तरीके से होती है, जैसे कि ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब रेवेन्यू। उनकी एक्चुअली इनकम कितनी होती है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वो लोग ही जानते हैं, राउंड टू हेल की टीम ही जानते हैं। यूट्यूब एस्टिमेटेड इनकम करीबन 4 से 6 लाख के करीब करीब महीने का हो जाता है। चलिए उनके कार कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं कुछ। वसीम के पास हुंडई का एक कार है जिसका कीमत है 40 लाख, और जैन के पास एक ऑडी A6 कार है जिसका कीमत है 60 लाख, और नजीम के पास एक BMW 750 LI जिसका कीमत है 1.5 करोड़। इसके अलावा नजीम के पास एक बुलेट है जिसका कीमत है 3 लाख रुपए। राउंड टू हेल का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है 2.1 मिलियन और यूट्यूब में करीबन 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं।
कितने आदमी तेरे पब्लिक? दो दो नहीं तो बसीम हमारे, उसने फरमाया। हाँ इरशाद इरशाद, उसने फरमाया। अबे किसने फरमाया बे जाहिल, तू काम की बात पे आना, फरमा दिया हो किसी ने।